दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हरियाणा से सामने आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से मुसलमानों के दुकान को तोड़ा जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दुकान को तोड़ दिया जा रहा है। और उसके बाद आप इसी रैली में आपको हथियार भी देखने को मिलेगा कि कैसे राइफल लेकर लोग जो है वो हथियार के समेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि मोनू मनेसर ने एक ऐलान किया था, एक अपील किया था कि वो नू पहुंचने वाला है। उसके बाद बीएसपी और बजरंग दल वालों ने एक रैली निकाली। उसके बाद सोशल मीडिया पे ये बताया गया कि उस रैली के ऊपर पत्थर चला है। लेकिन उसके बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने आई कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछने लगे कि जो बीएसपी और बजरंग दल ने रैली निकाला, उसमें इतने बड़े बड़े हथियार किस काम के लिए? ये रैली और ये जो शोभा यात्रा बताया जा रहा है कि जो यात्रा निकाला गया था, उसमें हथियार का क्या काम है? और वो भी ऐसे हथियार, आप देख सकते हैं कि राइफल लेकर लोग दिखाई दे रहे, हाथों में तलवार है। और उसके बाद जब से ये मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा है इस मामले ने, और बताया गया कि इस रैली के ऊपर पत्थर चला है, और उसके बाद से आपको जगह जगह पे आगजनी देखने को मिल रही है। 100-100, 200-200 बैग लूट कर लोग भाग गए हैं, दुकान को लूट लिया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुसलमानों की दुकान है, उसमें ये भगवा झंडा लहराते हुए और जयसार के नारे लगाते हुए दुकान को ये लोग तोड़ रहे हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब यहाँ पे भीड़ छटा और उसके बाद दुकान के सामने एक शख्स आपको खड़ा हुआ दिखाई दिया, तो इससे एक रिपोर्टर ने जाकर पूछा कि जब ये लोग तोड़ रहे थे तो क्या कह रहे थे। और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इस शख्स ने क्या कहा जब इससे पूछा गया कि जब तोड़ रहे थे वो लोग तो क्या कह रहे थे, ये आप जरा सुनिए। बोल रहे थे ना कुछ ना, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देख लिया आपने किस तरीके से जो ये बताया गया कि इस यात्रा के ऊपर पत्थर चला है। लेकिन इस यात्रा में इतने बड़े बड़े, इतने हाई फाई गन, ये कौन से यात्रा में निकाला जाता है? जरा आप खुद ही बताइए कि इतने बड़े बड़े हथियार ये लोग लेकर घूम रहे हैं और किसी एक विशेष समुदाय की दुकानों को तोड़ रहे हैं और उसे निशाना बना रहे हैं। जाकिर अली त्यागी क्या लिखते हैं? गुड़गांव के बादशाहपुर चौक पर पुलिस के मौजूदगी में भीड़ द्वारा लहराए जा रहे हथियार व धार्मिक झंडे भी देख लीजिए। इस भीड़ ने अभी दर्जनों दुकानों, ढाबाओं, स्क्रैप के गुरुग्राम में लूटपाट करने के बाद तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी है। जाकिर अली त्यागी है जो इस वीडियो को ट्वीट करते हुए ये कुछ बातें है जो लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अशोक स्वैन है, वो भी इस वीडियो को ट्वीट करते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की दुकान को जय श्री राम के नारे लगाते हुए दुकान जो है वो तोड़े जा रहे हैं। सबके हाथों में आपको भगवा झंडा दिख रहा है, हाथों में लोग हथियार लेकर है, और बताया जा रहा सोशल मीडिया पे ये भी दावा किया जा रहा है कि एक तरफ से उनके ऊपर पत्थर चला। लेकिन यहाँ पे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो यात्रा निकाला गया, उस यात्रा में इतने बड़े हथियार जो है उसका क्या मकसद था, ये भी जरा लोगों के सामने आना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पे बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार मोनू मानेसर है, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है, वो खुलेआम घूम रहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने अपने स्टेटमेंट में ये बयान जो है वो दिया है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, जो हरियाणा से आगजनी की खबर सामने आ रही है, और इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।